सहरसा जिला के अंतर्गत रिफ्यूजी चौक स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की हुई महत्वपूर्ण बैठक। राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तंजीम अहमद एवं सहरसा जिला के जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन और कई नेता रहे मौजूद, जिसमें प्रदेश के द्वारा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के पद पर संतोष कुमार चौधरी को मनोनीत किया गया। इस मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तंजीम अहमद के नेतृत्व में किया गया। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन मौजूद रहे। मैसी विधानसभा के राजद के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्ण मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जफर आलम मौजूद रहे। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सोशल मीडिया के प्रभारी भास्कर कुमार ठाकुर मौजूद रहे और कई ऐसे जो सारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे तंजीम अहमद ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तो पूरी तरीके से तैयारी में लग गए हैं। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सचिव के पद पर संतोष कुमार सुमन को राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वास जताया है और उन्हें इस पद पर मनोनीत किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता तो पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। इस मौके पर तंजीम अहमद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। सहरसा जिला से पटोरी पंचायत से संतोष कुमार चौधरी जी को झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ। इनको आने से हमारे पार्टी में जिला में मैसी विधानसभा में पार्टी मजबूत होगी। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इनको आने से युवाओं में उन लोग को अच्छा खासा साथ मिलेगा। सामने लोकसभा चुनाव हुई है, लोकसभा चुनाव में भी लोग को बहुत अच्छा मदद मिलेगा। चुनाव से पहले आपने तैयारी शुरू कर दी? तैयारी पूरी तरह से हो रहा है जी जी। और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार से उखाड़ करके खत्म किया जाएगा। तो आपने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तंजीम अहमद ने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर